तमाम जो हमारे धर्म गुरु हैं, पूज्य भंते जी हैं, उनका स्वागत किस तरह से पुष्प वर्षा के साथ तमाम समाज सेवी यहाँ पर कर रहे हैं आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम में। एक बहुत ऐतिहासिक लम्हा है आज का, ये जिस तरह से मैंने पहले बताया कि समाज सेवी जो संगठन है उन्होंने एक ऐतिहासिक धरोहर बनाकर इस देश को समर्पित की है, बहुजनों को समर्पित की है। जिलों से, गाजीपुर से सभी लोग, महिला उपासिकाएं, उपासक लोग उपस्थित हैं, सभी का एक स्वर से अभिनंदन, परम पूज्य भंते जी का अभिनंदन। आपके बीच में परम पूज्य भंते जी लोग उपस्थित हैं, हमारे परम पूज्य भंते लोग भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और हम लोग धर्मदान दे करके और कुछ आशीर्वचन सुन करके, धर्म देशना सुन करके ये शिलान्यास का संपूर्ण कार्यक्रम पूरे बौद्ध रीति रिवाज से बौद्ध भिक्षु संघ खड़ा है। और जो कहीं भी जहाँ भी कोई वास्तु का निर्माण होता है तो वो भगवान बुद्ध से जो परंपराएं शुरू की गई है तब से अभी तक सभी बौद्ध लोग मानते हैं। तो मैं अभी जो शिलान्यास हुआ है तो मैं यहाँ इस समिति के जो अध्यक्ष हैं एवं उपाध्यक्ष हैं आप देख रहे हैं भंते जी की बुद्ध वाणी से शुरू हो चुका है शिलान्यास का कार्यक्रम। और जो आज का जो ऐतिहासिक ये शिलान्यास है एक मील का पत्थर साबित होगा भोजनों के इतिहास में, क्योंकि जिस तरह से तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर ये ऐतिहासिक कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और ऐसे संयोग रोज रोज नहीं मिलते। एक मंच पर इस सारनाथ की पवित्र पावन भूमि की बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली से इतने भंते जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के भंते बैठे हैं, आदि श्रीलंका के, वियतनाम से, आपके इंडिया के और तमाम देशों के लोग भंते लोग बैठे हैं। और इन भंते लोगों के उपस्थिति में जो शिलान्यास हुआ है ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुजन समाज के सभी धर्म मित्रों, अंबेडकर अनुयायियों एवं मिशनरी साथियों से
एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन IDASA के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं तहसील ब्लॉक के जांबाज पदाधिकारियों से अपील है। साथ ही सभी धम्म बंधुओं से अपील है, सभी सहयोगी साथियों से अपील है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल का निर्माण तन मन धन का सहयोग नैतिक कर्तव्य समझ कर करें, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपको यदि समृद्धशाली संस्कृति का निर्माण करना है तो समृद्धशाली विरासत रचना पड़ेगा, और जिससे कि इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा किया जा सके और आने वाली पीढ़ी आपके इस अमूल्य योगदान का पर गर्व कर सके। आप ऐसा काम करिए, जीवन में आपने मकान बनाया, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं का सामान खरीदा होगा, लेकिन वो व्यक्तिगत हो गया, इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाई, पढ़ाई लिखाई किया, इस स्तर पर पहुँचे। पारिवारिक जिम्मेदारी आपने निभाई, आपका परिवार खुशहाल है। इसके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, जैसा कि महापुरुषों ने किया, जिसकी तस्वीर सभी जगह लगी हुई है। ऐसे ही आप सबसे अपील है कि आप लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने धम्म का दान करें, आर्थिक दान करें, मानसिक दान करें, शरीर का दान करके इस ऐतिहासिक सेंटर का निर्माण करें। अब मैं परम पूज्य भिक्खु संघ से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में, टाइम चूंकि 11 बज गया है, संगदान के लिए संगदान वहां होना है, इसलिए दो शब्द भंते जी बोले, फिर हम लोग धम्म दान कर देंगे। कुछ भंते लोग अपने सीधे बिहार में चले जाएंगे तो यहीं कर देंगे, यहाँ कर देते फिर। तो ये संगदान परम पूज्य भंते जी का आया है। और एक चीज बता दें आप सभी से, परम पूज्य भंते चंदिमा जी के धम्मा लर्निंग सेंटर में ही भोजन दान की व्यवस्था की गई है। यहाँ से कार्यक्रम ओवर होने पर आप लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपने कर कमलों से पहले भंते लोगों को भोजन दान ग्रहण कराएंगे, भोजन दान देंगे, इसके बाद आप लोग भोजन करेंगे। अब मैं परम पूज्य भंते गुरुधम्मो जी से अनुरोध करूँगा, कृपया दो शब्द बोले, इसके बाद हम लोग धम्म दान करें। नमो तस्य भगवतो नमो तस्य भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आदरणीय भिक्षु संघ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आज हम सब मिलकर विजयराव जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी समिति की ओर से भूमि पूजन कराया है, और वो बौद्ध परंपरा के अनुसार महाभिक्षु संघ के उपस्थित में हुआ। ये एक खुशी की नहीं, बहुत ही बड़ी कामयाबी है, और भिक्षु संघ के ओर से ये कार्य जल्दी से जल्दी सफल हो, पूर्ण हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक रहा धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य, तो भगवान बुद्ध ने कहा, सद्य वित्तं परसस्य सत्यं धम्मो सुचिनो वाति सुखं। धम्म का कार्य करने के लिए आपको धम्म बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा केवल शाब्दिक नहीं होनी चाहिए, तो वो धम्म के अनुसार होनी चाहिए। तो धम्म क्या है, अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। शील का पालन होना हर पौधे उपासक उपासियों का कर्तव्य होता है, उसी ने सारी धम्म की नींव रखी गई, और उसके साथ समाजिक
और सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने आप देख रहे हैं संत आवाज टीवी चैनल के साथ लाइव सारनाथ से बुद्धा बोधिसत्व आगे बढ़ाए और अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास की ये तस्वीर है जिसके लिए हम लोग दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर दूर सारनाथ पहुंचे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कितना ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है कि बहुजन समाज कहीं ना कहीं जब अपने अधिकारों को पहचान रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज सेवियों ने भी ठानी है कि वो आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समाज को संदेश दें कि अब बहुजन समाज जो कदम आगे बढ़ा चुका है अपनी उन्नति के लिए, अपने साक्षरता के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम अब किसी से कम नहीं हैं। उसी कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण कदम आप देख रहे हैं जिस भूमि पर, जिस बौद्ध भूमि पर मैं हूँ, सारनाथ के पास, इस जमीन पर बनने वाला है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसका शिलान्यास आज पूज्य बनते और हमारे धर्म गुरुओं के माध्यम से हुआ है। नींव का पत्थर रखा गया है, आप देख रहे हैं, बड़ा ही ऐतिहासिक लम्हा है ये बहुजन समाज के लिए, जिसके लिए मैं अस्वस्थ होते हुए होने के बावजूद भी आज दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर सारनाथ पहुंचा हूं। अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है कि बहुजन समाज के समाज सेवियों ने एक ऐतिहासिक धरोहर बनाई और उसको समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर दिल्ली NCR के अंदर जब मैं निकलता हूँ तो मुझे दिखता है कि वहाँ पर हम अनेकों बुद्ध विहार हैं जिन पर कब्जे किए हुए हैं, जिनके ऊपर तरह तरह की आपत्तियाँ दर्ज हैं लोगों के माध्यम से, और उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बताकर वहाँ पर मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन आज जब हम इस भूमि पर पहुँचे हैं तो एक अनोखा ही एक स्वरूप देखने को मिला। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।